लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में सिडकोप की मेट्रो रेलवे दौड़ाने की जिम्मेदारी अब महा मेट्रो कंपनी को सौंप दी गई है। सिडको MD डॉक्टर संजय मुखर्जी ने बताया कि महा मेट्रो 10 वर्षों तक मेट्रो 1 के परिचालन और देखरेख का काम करेगी। इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही इसके लिए समझौता करार होने वाला है। वहीं नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेलवे के शीघ्र परिचालन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही महा मेट्रो के जरिए नवी मुंबईकरों को रेल सेवाएं मिलने लगेंगी। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्रायल रन में दौड़ चुकी नवी मुंबई मेट्रो हकीकत में यात्रियों के साथ दौड़ने लगेगी। सिडको ने मेट्रो 1 के शीघ्र संचालन के लिए महा मेट्रो को परिचालन की जिम्मेदारी सौंप दी है। 15 जुलाई को सिडको और नगर विकास मंत्री ने महा मेट्रो को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया। जल्द ही इसका समझौता करार भी होने वाला है। बताना जरूरी है कि महा मेट्रो नागपुर में मेट्रो का सफल संचालन करने का रिकॉर्ड बना चुकी है, जबकि पुणे में मेट्रो के ऑपरेशन की तैयारी में है। सिडको MD डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कहा कि महा मेट्रो के समयबद्ध कामकाज और सफल संचालन प्रणाली को देखते हुए ही नवी मुंबई मेट्रो के संचालन का काम उसे सौंपा गया है। असल में 2015 से लेकर आज तक नवी मुंबई मेट्रो का 3 बार ट्रायल रन हो चुका है, लेकिन अधूरे कार्यों की वजह से संचालन अटका पड़ा है। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेलवे के शीघ्र परिचालन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी परमिशन दे दी गई है और उम्मीद है कि महा मेट्रो इसकी सेवाएं नवी मुंबईकरों को जल्द उपलब्ध कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।